मोदी सरकार मोदी सरकार बीजेपी डीडीसी मेंबर पीडीसी मेंबर पीडीसी चेयरमैन पीडीसी मेंबर एक्स मंत्री एलजी गवर्नमेंट मोदी सरकार मोदी सरकार पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट रोड से पहले 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 एलजी गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी मोदी सरकार एलजी गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट मोदी सरकार मोदी सरकार रोड से पहले डिपार्टमेंट मोदी सरकार एलजी सरकार एलजी सरकार मोदी सरकार मोदी सरकार पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट जो हमारा रोड कोडी शाहदौला से कुलिया से आरसपुर तक बन रहा है ये बहुत ज़्यादा लंबा खींच गया है। एक तो बनने में देरी कर रहे, दूसरी सबसे जो बड़ी बात है जो हमारा मेन प्रोटेस्ट है साइड की नालियाँ बंद पड़ी हैं, साइड की नालियाँ नहीं खोली जा गई, जब भी बरसात होती है जहाँ से चार चार फुट पानी जमा हो जाता है। तो बता रोड की क्या वैल्यू होगी, अगर मान लो सरकार बना भी देती है इस पर लुक भी डाल देती है तो वो तीन महीने में तो ख़त्म हो जाएगी। करोड़ों रुपया हमारा जो टैक्स से जाता है जो गरीब जनता का वो लग रहा है, 20 साल आगे हमें धक्के पा रहे हैं हमारा रोड नहीं बना, आने वाले 20 साल फिर हम रोएंगे, कोई नहीं सरकार बनाएगी। मेरी सरकार से वार्निंग है, आप सबसे पहले ये नाले की निकासी करो, पानी की निकासी होनी चाहिए, बिल्कुल पानी आगे पलखों में जाता है ये सारे कोटली से, मगर सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे रही। मैंने SDM को भी कहा और साहब को कहा, ये AW को भी कहा, मगर हमारी बात को सुन के राजी नहीं। हमारे ये मांग है कि सबसे पहले नालियां क्लियर करो, उसके बाद रोड का काम करो और इसे जल्दी करो। नंबर दो, अगर सरकार नहीं मानी मैं आने वाले दिनों में यहाँ रोड बंद करूँगा, चाहे हमें सारा दिन बंद करना पड़े, उसके जिम्मेवारी सरकार भी होगी। क्यों नहीं भी एक्शन ले रहे, जहाँ बरसात होते बिला नगा जहाँ 10-20 एक्सीडेंट हो रहे हैं, बिला नगा हो रहे हैं इनके नलाकी से, ये जो ठेकेदार है वो नालायक ठेकेदार है। और ख़ासकर मैं जई की शक्ल नहीं हमने कभी काम पे देखी, जई की ड्यूटी बनती है जब काम लगा उस पर खड़े होना, क्या मटेरियल कैसा लग रहा है मगर हमने कभी देखा नहीं, ना AW आता है कोई इधर, ना एक्सिन आता है। तो उसके बाद जो हमारे नेता लोग हैं, मैं DDC ये उन्हें इधर से गुजरते हैं, SDM जाता है, यहाँ के BDC चेयरमैन जाते हैं, शर्म नहीं दी ऐसे लोगों को, लोगों ने जीत के भेजा, इसीलिए भेजा कि हमारे मसले हल करेंगे, मतलब इससे बेशर्म आदमी है जो उनको कोई दखल दे, लोगों सर वोट मांगते हैं ऐसे लोगों को काले झंडे दिखाओ। एक्स मंत्री जो 70-80 हज़ार पेंशन